नमस्कार, रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। इस कार्यक्रम में हम किसी एक खास मुद्दे के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, आपको उसकी विस्तृत जानकारी देते हैं जिससे कि आप उसको ठीक से समझ सकें। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ की। एक तरीके से जो हमारा गोवंश है उसमें पिछले 2 साल से ये बीमारी आ रही है, इसको हम लंपी स्किन डिजीज़ या LSD के रूप में जानते हैं। पिछले साल लंपी ने बहुत बुरा कहर बरपाया था पूरे उत्तर भारत में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गोवंश की मौत हुई थी, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और लगभग एक दर्जन राज्यों में लाखों जानवरों का नुकसान हमें हुआ था, मौतें हुई थी जानवरों की और दूध के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा था। इस साल जो दूध की किल्लत है उसके पीछे एक वजह लंपी बीमारी भी रही थी। असल में ये एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसेक्ट के जरिए फैलती है और एक तरह का पैंडेमिक है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। उसमें जो एक मक्खी हो या कोई ऐसा कीट होता है जो एक गोवंश से दूसरे गोवंश पर जाता है और उसको संक्रमित करता है। LSD के चलते जो गाय होती हैं उनके शरीर के ऊपर धीरे धीरे फफोले पड़ते हैं और जख्म के रूप में तब्दील हो जाते हैं और कुछ जानवरों की मौत भी हो जाती है। इसका ख़ास तौर से जो मौसम है लंपी फैलने का वो मई और जून में ये बीमारी पशुओं में फैलती है। असल में पिछले साल जब ये बीमारी बुरी तरह फैली तो उस वक़्त ये कोशिश की गई कि वैक्सीनेशन किया जाए जानवरों का और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे उतना इसको फैलने से रोका जा सकता है। ये कोई इसका पुख्ता इलाज नहीं है। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने 2020 में कोरोना को झेला था और उसके बाद उसका वैक्सीन आया, इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि वैक्सीन से आप इसका बचाव कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे जानवर को बचाने की भी तमाम सारे इलाज के जरिए और उसमें काफ़ी नुकसान होता है। साथ में जो संक्रमित गाय होती है उसके दूध का जो उत्पादन है वो घटता जाता है और कई बार लगभग बंद हो जाता है दूध का उत्पादन। तो कई तरीके की दिक्कतें हैं, उसमें किसानों को आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर झेलना पड़ा। पिछले साल जब ये मौसम की वजह से नियंत्रित हुई और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीन एक गोट पॉक्स वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन किया गया, उसके बाद ये कुछ मौसम का बदलाव आया तो रुक गई। लेकिन इस साल ये फिर से 4-5 राज्यों में आई है और हजारों जानवर इससे संक्रमित हो चुके हैं। असल में लंपी के लिए हमारे जो ICAR हैं उन्होंने उसके जो संस्थान हैं IVRI और एक एक्वाइन इंस्टीट्यूट है हिसार का, उन्होंने मिलकर एक वैक्सीन तैयार किया, उसको लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन के नाम से जानते हैं और इसको सरकार में जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं उन्होंने और पशुपालन और डेयरी मिनिस्टर ने 10 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया। उसके बाद इसका तमाम सारा जो टेस्ट हुए थे, जो आंकड़े जुटाए गए थे उसमें ये काफ़ी प्रभावी है और जो एनिमल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन LSD को रोकने के लिए पूरी तरीके से पुख्ता उपाय है, प्रभावी है और ये जो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और जो परीक्षण किए गए उसमें ये साबित होता है। अगर इस वैक्सीन का टीकाकरण कर दिया जाएगा पशुओं में तो फिर ये बीमारी को रोका जा सकता है। और क्योंकि पिछले साल हमारे पास ये वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ था इसलिए गोटपोक्स वैक्सीन जो पहले से उपलब्ध था सरकार ने उसको लगाने की मंजूरी दी और ये वैक्सीन पशुओं में लगाया गया बड़े पैमाने पर। लेकिन इसकी जो एफिकेसी है वो 60-70% है, यानी ये वैक्सीन बचाव तो करता है लेकिन पूरी तरीके से 100% इसमें एफिकेसी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन तैयार किया है अगर उस वैक्सीन को लगाया जाएगा तो ये बीमारी को जो पैंडेमिक बनने से रोका जा सकता है। हालांकि अभी तक इसको पैंडेमिक घोषित नहीं किया गया, इसको एंडेमिक ही कहा गया, ये संक्रामक रोग है, फैलता है। तो ये असल में जो LSD है ये दुनिया में बड़े पैमाने पर फैला है, अफ्रीका में है, एशियाई देशों में है, यूरोप में है और हमारे जो आसपास के देश हैं उनमें भी है।
हमारे यहाँ सबसे पहले 2019 में उड़ीसा में लंपी देखने को मिला था और उसके बाद ये पिछले साल बड़े पैमाने पर देश भर में फैला है। 1929 में अफ्रीका में ये पहली बार देखा गया था, जैसे मैंने जिक्र किया कि अफ्रीका से ये था। अब असल में हमारे देश में करीब 20 करोड़ गोवंश है, सो इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। जहाँ तक लंपी प्रो एक इंड वैक्सीन की बात है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो निजी क्षेत्र के लिए जारी कर दी गई, चार कंपनियों ने उसको ले लिया जो है, वहाँ से एक एग्री इनोवेट करके सरकार की कंपनी है जो इस तरह के शोध को निजी क्षेत्र को देती है, या जो उसको व्यावसायिक उत्पादन करते हैं उनके लिए करार करती है उनके साथ में और ये देती है। अब ये इसको जो नियामक की मंजूरी है वो अभी पूरी तरीके से नहीं मिले, उम्मीद है कि ये मंजूरी जल्दी मिलेगी। जैसे ही ये मंजूरी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना संभव होगा। और अभी जो इस साल बीमारी फैलना शुरू हुई है, अगर वैक्सीन जल्दी उपलब्ध हो जाता है तो फिर ये वैक्सीनेशन करके इसको रोका जा सकता है। और क्योंकि ये जानवर के अंदर एक इस बीमारी के प्रति इसका जो विष जो जिस उससे फैलता है विषाणु से, उसको लेकर के ये प्रतिरोधक क्षमता जानवर के अंदर पैदा कर देती है, तो जानवरों को बचाया जा सकता है। वैक्सीनेशन ही उपाय है और उम्मीद है कि ये वैक्सीन जल्दी उपलब्ध होगा, जिसको देश का इतना बड़ा जो पशुधन है उसको सुरक्षित रखने के लिए और जो किसानों की आजीविका है, उनका जो आर्थिक एक तरीके से संसाधन है उसको बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस क्योंकि अब वैक्सीन उपलब्ध है, कुछ राज्यों ने गोवैक्स वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मामले आए कि जानवरों में बीमारी रही और वो फैली। ये एक वैकल्पिक उपाय था और जो इसका पुख्ता उपाय है वो हमारे पास है, हमारे संस्थानों ने विकसित किया है, उसका उपयोग किया जाएगा तो बेहतर होगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर देश में हमारा जो दूध का उत्पादन है उसमें गोवंश की बहुत बड़ी भूमिका है और ये देश में किसानों की एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रगति का रास्ता भी है। हम देश में दुनिया के सबसे बड़े हम दूध उत्पादक हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान गोवंश का है। उम्मीद है कि इसको तेज़ी से अमल में लाया जाएगा वैक्सीनेशन को, और इस बीमारी को पूरी तरीके से रोकने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। इस मसले पर जब आगे कोई और डेवलपमेंट होगा फिर हम आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि और उससे जुड़े अपडेट, नई खबरें और विश्लेषण के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नमस्कार।